तो हम कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में ग्रह बनवा रहे थे। हाँ रही है सबको? तो हम कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में ग्राफ बना रहे थे इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब सेकंड ग्राफ है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बन गया ग्राफ। क्या होगा देखो, इधर एनालिसिस करो, इधर एनालिसिस करो। पहला केस में क्या होगा? CH3COH, ये पार्शियल डिसोसिएट होगा, CH3CO-+H+। अभी हमने NaOH को डाला नहीं है, तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि इस केस में H प्लस है, भले कम है लेकिन H प्लस है। स्ट्रॉन्ग के बजाय ये वीक है, वीक एसिड है लेकिन अभी भी एच प्लस है, तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। अब सबसे पहले क्या होगा, जो यहां पर एच प्लस है, अब ये एन ए ओ एच इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज्ड करेगा ना, न्यूट्रलाइज, इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो तुरंत एच प्लस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी एच प्लस को समाप्त होने में टाइम नहीं लगेगा। यानी अब हम जानते हैं कि एच प्लस का मोलर कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होता है, ये तुरंत कम होगा, बहुत जल्दी कम होगा। ठीक है, अगर बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये एच प्लस को नेगलेक्ट मान के चलना है, तो ये भी नहीं बनाना हमें। हम मान के चलना है कि थोड़ा बहुत एच प्लस है, क्योंकि ये पार्शियल डिसोसिएटेड है, तो थोड़ा बहुत है तो डिक्रीज होगा। अगर ये मान के चला, जैसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में 1-α, ये जो हम लिखते थे एच प्लस C-C-α, इसको हम नेगलेक्ट मार देते थे। ठीक है, तो अगर वो बोलेगा कि इस क्वेश्चन में सी अल्फा नेगलेक्ट है, तो हम ये भी नहीं बनाएंगे, हम मान के चलेंगे है ही नहीं। अब ये एच प्लस समाप्त हो गया, जब ये एच प्लस समाप्त हो जाएगा, तो अब जब हम एन ए ओ एच डालेंगे, तो इसका रिएक्शन अब ये इसके साथ होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये कुछ टूटा होगा और ये कुछ ऐसा ही होगा। अब इसमें क्या होगा? सी सॉरी इसके साथ होगा, ये टूटा हुआ जो है CH3CO-। अब क्या बन जाएगा? ये CH3COONa। कुल मिला के दूसरा केस में क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। आवाज आ रहा है? सारे को अनम्यूट करना है। अब दूसरा केस में क्या करना है? अब ये पहला केस में NaOH इसके साथ रिएक्शन किया था H प्लस के साथ, अब दूसरे केस में क्या होगा? ये NaOH अब इसके साथ क्या बना देगा? सॉल्ट। अब सोचो कि पहले मान लो ये CH3COH था, जब ये H प्लस अब समाप्त हो गया है, अब यहां पर कंसर्न इसमें केवल ये है, अब बन गया, तो पहले आयंस कितना था, अब आयंस कितना, यानी अब घटेगा या बढ़ेगा? आयंस की अब संख्या देखो, क्योंकि H प्लस और OH नहीं देखना है, क्योंकि ये तो बाकी जो OH होगा वाटर बन जाएगा, ये तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनेंगे, तो आयंस की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा। कैसे? डिक्रीज हो जाएगा आयंस की संख्या। अभी तक ऐसा सोचो कि सेकेंड केस में ऐसा सोचना है कि जितना भी एच प्लस था वो कंज्यूम हो चुका है, अब एच प्लस नहीं बचा हुआ है। अब बताओ इसके अंदर ये जब कंज्यूम हो गया, तो आयंस कौन सा दिख रहा है? केवल यही दिख रहा है ना आयंस, CH3CO-। इसके अलावा कोई आयंस तो है नहीं इसके अंदर। अभी हमने इसमें
एंट्री करना इसको बंद करा दिया है, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, इसका ग्राफ हमने बना दिया। अब ये आयंस ये बचे हुए, अब जब अगला ड्रॉप इसका NaOH को डाला जाएगा तो ये क्या होगा सेकेंड केस में, CH3COOH, क्योंकि H प्लस तो कंज्यूम हो चुका है, और ये NaOH, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट है CH3COONA और बनेगा H2O। तो अब मुझे बताओ कि अब इसको ड्रॉप डालना बंद कर दिए, अब स्टॉप कर दो, अब मुझे बताओ कि इसका अगला ड्रॉप डालने के बाद और उसको डालने के पहले आयंस की संख्या घट गया बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, आयंस की संख्या अब इंक्रीज हो गया है, देखो कैसे, ये सॉल्ट बन चुका है और सॉल्ट बनते ही सॉल्ट क्या होता है 100% डिसोसिएट होता है, पहले आयंस केवल ये था, अब उसके साथ Na प्लस भी आ चुका है, समझ में आया गया, तो पहले सॉल्ट केवल ये था, अब सॉल्ट ये भी आ गया है, तो अब आयंस की संख्या बढ़ गया है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा ना, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ही होगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा ना, लेकिन जिस स्पीड से घटा है उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। अब तीसरा केस सोचो, मान लो ये पूरा का पूरा सॉल्ट बन गया, अब फिर अगला ड्रॉप डालोगे NaOH का, तो अब रिएक्शन करने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो NaOH आके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया तो ब्रेक हो जाएगा, अब बताओ यहाँ OH माइनस मिला, तो यहां से घटाऊं या बढ़ाऊं, और हाई ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है OH केवल है और OH का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, और ये H प्लस की वजह से डिक्रीज हुआ है, और ये कम इंक्रीज हुआ है क्योंकि आयंस की वजह से। अगर बाय द वे क्वेश्चन में बोलता है कि यहां पर ये H प्लस को नेगलेक्ट कर दो, तब ग्राफ ऐसे होगा, ये कंटिन्यू सॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये पूरा समाप्त हो जाएगा और ये NaOH आएगा, तो NaOH का ग्राफ ऐसे होगा, यानी ये सॉल्ट के वजह से CH3COONA के वजह से और ये OH माइनस की वजह से, अगर हम H प्लस को नेगलेक्ट कर दे तब, ये क्वेश्चन जी एडवांस में आया हुआ है, चलो तुम लोग तीसरा ग्राफ बनाओ, तीसरा ग्राफ बनाओ, HCl दिया हुआ है प्लस CH3COOH दिया हुआ है, और इसमें ऐड किया जा रहा है NaOH, यानी टाइट्रेट विथ NaOH, तो ग्राफ यही होगा, मतलब एक्सिस दिया जाए किससे बनाना है, तो समझ में आ जाए कौन ब्यूरेट में है, तो ब्यूरेट में ये है, अब तुम ग्राफ ड्रॉ करो इसके लिए, केस बना बना के ग्राफ ड्रॉ करो, बन गया ग्राफ।
पहले क्या होगा, अब कंटेनर में है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कंटेनर में जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पर तो H प्लस तो होगा ही होगा, होगा ना। तो पहले सोचना है कि यहां पर H प्लस है, जब ये NaOH का ड्रॉप इसमें आएगा तो इस H प्लस को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा, पहले सॉल्ट नहीं बनाएगा, पहले इस H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, याद रखना पहले सॉल्ट नहीं बनेगा, पहले H प्लस न्यूट्रलाइज होगा। तो पहला केस में फर्स्ट H प्लस विल न्यूट्रलाइज। अच्छा अभी हम नंबर ऑफ आयंस वगैरह नहीं चेक करेंगे कि नंबर ऑफ आयंस घट रहा है कम हो रहा है, क्योंकि जब हमारे पास H प्लस नहीं रहता है ना, हम पहला, क्योंकि हमने सबसे पहले बताया था कि H प्लस सबसे ज्यादा होता है, तो H प्लस सबसे ज्यादा, इसका मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, पहले इसके बारे में सोचेंगे ये क्या हो रहा है, तब हम नंबर ऑफ आयंस वगैरह के बारे में सोचेंगे, जब ये कंज्यूम वगैरह हो जाएगा तब। तो हम यहाँ पहला केस में नंबर ऑफ आयंस के बारे में सोचेंगे, एच प्लस के बारे में, ये कंटिन्यू कम हो रहा है तो इसका क्या होगा। अब इसमें हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते इस चीज को, तो आईटी में दोनों क्वेश्चन आया हुआ, ये भी आया था, इससे पहले वाला भी आया था, उसमें क्या किया था, उस क्वेश्चन में बोला था कि ये नेगलेक्ट है, तो ये ग्राफ इसमें हम ड्रॉ नहीं कर रहे थे, जबकि इस ग्राफ इसमें ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, नेगलेक्ट बोलेगा भी तो ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि HCl है। अब यहां पर HCl कंज्यूम हो गया, तो सेकेंड पॉइंट, अब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, अब ये बच गया, अब जब अगला ड्रॉप डालेंगे तो CH3COOH और NaOH मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, CH3CONa बनाएंगे। अब यहां पर हम नंबर ऑफ आयंस के बारे में सोचेंगे, अब H प्लस हमें कंज्यूम हो चुका है, H प्लस है भी नहीं, और जब अगला ड्रॉप डालेंगे तो OH के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, अभी OH कंज्यूम होता जाएगा, तो यहां सॉल्ट बनेगा। अब अगर हम सोचे तो यहाँ Cl- तो पहले से था, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये पहले से CH3CO- था, अब कौन सा आयंस हो गया हमारे को, CH3CO- और Na+, यानी आयंस बढ़ गया। यहाँ पर क्लोरीन अभी कंज्यूम नहीं हुआ है, तो मान लो क्लोरीन तो पहले से अभी भी है, उतना ही भी है, और ये एक था, अब हमारे को ये भी है और ये भी है, यानी आयंस बढ़ गए, आयंस बढ़ गए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ेगा, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और एक समय ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, इस पॉइंट पे सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। अब जैसे ही अगला ड्रॉप NaOH का डाला जाएगा, अब NaOH में क्या मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस, तो यहां हमने आयंस के बारे में सोचा, यहां हमने H प्लस के बारे में सोचा, और यहां पर हमने OH के बारे में सोचा। अब यहाँ OH जो अब इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस ग्राफ से डाउन जाएगा, तो यहाँ हमने H प्लस के बारे में सोचा, यहाँ सॉल्ट के बारे में सोचा, और यहाँ पर OH के बारे में सोचा, ये ग्राफ बन गया। अगर कहीं क्वेश्चन में वीक एसिड है केवल, तो ये नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें H प्लस के बारे में सोचना है, जब H प्लस, क्योंकि बेस को डालेंगे तो H प्लस कंज्यूम होगा, उसके बाद सॉल्ट बनेगा, उसके बाद सॉल्ट देखेंगे, तो सॉल्ट में नंबर ऑफ आयंस देखेंगे, जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो हम OH के बारे में सोचेंगे तीन केसेज में। नेक्स्ट ग्राफ बनाना, कंटेनर में है AgNO3 और तुम ब्यूरेट से मिला रहे हो KCl, यहां पर KCl है, और इसके लिए ग्राफ बनाना है।
बन गया। बन गया। अब देखो यहां पे AgNO3, अब यहां H प्लस के बारे में तो हम सोचेंगे नहीं, ये AgNO3 क्या है, सोल्ट है। तो अगर हम AgNO3 के बारे में सोचे, अच्छा एक चीज मान के चलना है कि Ag प्लस का और K प्लस का दोनों का साइज लगभग सेम है, ये मान के चलना है, ठीक है। तो AgNO3 के बारे में अगर सोचे तो सोल्ट है, तो Ag प्लस और NO3 माइनस ये स्टार्टिंग में आयंस होंगे, तो स्टार्टिंग में कुछ कंडक्टिविटी दर होगा मान लेते हैं। अब सेकेंड केस में, अब यहां से हम क्या करें, जैसे ही AgNO3 में अगर हम KCl को मिलाएंगे, अब यहां देखो दो आयंस है, अब अगर हम KCl को मिलाएंगे तो ये बनेगा AgCl और यहां क्या बनेगा, KNO3। AgCl जो है वो प्रिसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यहां पर है KNO3, यानी K प्लस और NO3 माइनस, यानी जब तुम इसको KCl को मिलाते गए तो ये रिएक्शन करता गया और AgCl बनता गया जो कि प्रिसिपिटेट है, और मिला हमें K प्लस और NO3 माइनस, यानी आफ्टर रिएक्शन हमें दो आयंस मिले, और यहां भी कितना आयंस है, मतलब मिलाने के पहले दो ही आयंस है, वो K प्लस Ag प्लस है और NO3 माइनस है, और यहां पर K प्लस है और NO3 माइनस है। तो अगर हम इस दोनों में कंपेयर करें कि किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा या कम होगा, तो देखो NO3 मतलब ये मिलाने के पहले और मिलाने के बाद तो हमें दो आयंस यहां मिला, दो आयंस यहां मिला, और इसमें एक कॉमन है, तो ये डिसाइड करेगा कि Ag प्लस और K प्लस कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है। और हमने बोला अभी कि साइज लगभग दोनों का बराबर है, जब साइज बराबर है तो कंडक्टिविटी भी सेम होगा, यानी ये ग्राफ कैसे होगा, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा यहां से। अब मान लो यहां से ये कंप्लीट, अब तीसरा केस लेते हैं, ये कंप्लीट इसका प्रिसिपिटेशन हो गया, अब ये बचा नहीं, नहीं बचेगा तो क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस फिर से आएंगे, आएगा ना, तो लास्ट में जब हम डालेंगे इसमें KCl तो क्या होगा, K प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, बनेगा ना। अब पहले से तो NO3 मौजूद है इसके अंदर, है ना, और ये प्रिसिपिटेट बनता जा रहा और ये पहले से है, जब ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तो ये तो आयंस पहले से है ही, और उसको एडिशनल आयंस मिला है नहीं मिला, और उसको एडिशनल आयंस मिला है नहीं मिला, मिला ना, Cl मिला उसको एडिशनल आयंस, जो पहले AgCl1 के प्रिसिपिटेट हो जा रहा था, अब उसको एडिशनल आयंस मिला Cl, तो पहले जितना आयंस थे और उसको एडिशनल मिला Cl, अब क्या होगा यहां से इंक्रीज, लेकिन बहुत धीरे 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 बढ़ेगा, तो यहां से प्रिसिपिटेट बनता गया और खत्म हो गया, खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा आयंस के वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तब कैलोमेल इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे। हॉस्टल आए दो तो देखो ये ग्राफ तुम्हें मिलेगा बराबर क्या, ये लेवल वन में ही ग्राफ है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ये वाला बनाओ, इसी को दे रहा हूं मैं, अगर अवस्थी है तो निकाल लो 158 क्वेश्चन।
लिखो HNO3 aqueous is titrated with HNO3 aqueous is titrated with NaOH aqueous conductometry. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी टाइट्रेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां है कंडक्टेंस लेमडा और यहां है वॉल्यूम ऑफ NaOH. तो मैं तुम्हें चार ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, तुम लोग बनाओ कैसा बनेगा. तो रिजल्ट भी लिया 18 तारीख का. आज कितने तारीख है? 21. 18 तारीख का रिजल्ट आ चुका है. अब बिफोर की करेक्शन है आफ्टर की करेक्शन पता नहीं. फोर्थ रैंक आया यहां से गुजर का. मीका गुजर का 326 नंबर. दो ही सब्जेक्ट का ऐड है, केमिस्ट्री और जूलॉजी. केमिस्ट्री में 5th रैंक, 165 है जूलॉजी में 7th रैंक. ओवरऑल 4 रैंक. उसके बाद है निधि मारो का 13th रैंक. तुम्हारा 141 केमिस्ट्री में 19 रैंक है और 165 जूलॉजी में 5th रैंक है. ओवरऑल 13. उसके बाद श्रेया मुंडे का है 299 मार्क्स है और 19 ओवरऑल रैंक है. उसके बाद अथर्व चौहान 287 25 रैंक है. संचित 287 इसका ही 5th रैंक है. उसके बाद है बियानी, तुम्हारा है 267 48 रैंक. उसके बाद है शशांक फराट, उसके बाद है संजना फराटे, प्रगति नायक कनाडे, रसिका, उसके बाद गौरी, संस्कृति, ये सब 50, 60, 64 रैंक हो गया. बाकी बना इसको क्या होगा इसका? HNO3 स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है ना. तो जब हम NaOH मिलाएंगे तो ग्राफ किधर जाएगा? HNO3 क्या स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये स्टार्टिंग में H प्लस होगा और NO3 माइनस होगा. अगर हम NaOH ऐड करेंगे तो H प्लस क्या होगा? कंज्यूम होगा. तो कंज्यूम होगा तो इसका ग्राफ कहां जाएगा? नीचे. अब एक समय ऐसा होगा कि पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी ये इक्विवेलेंट पॉइंट पे आ गया जहां पर एसिड और बेस क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो चुके हैं. अब यहां पर जब हम डालेंगे NaOH तो ग्राफ कैसा होगा? तो ये ऐसा जाएगा. ठीक है, तो इस ग्राफ में आंसर फर्स्ट हो जाएगा 158.
ठीक है, तो इसमें एक और ग्राफ है उसको बना लो, दूसरा ग्राफ बना लो, कंडक्टोमेट्री टाइटेशन कर्व फॉर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, सेकेंड ग्राफ बनाना, लिखो क्वेश्चन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व फॉर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड HCN विथ एक्वस NaOH, यानी y एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH होना चाहिए, सॉरी x एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH होना चाहिए। तो HCl है और HCN है, ये पहले से कंटेनर में मौजूद है और तुम मिला रहे हो NaOH, फिर ग्राफ क्या होगा? हो गया, कैसा है ग्राफ? अब यहां HCl है और HCN है, तो यहां पर तो H प्लस तो है ना पहले से, तो जब तुम NaOH को मिलाओगे तो H प्लस क्या होगा? कंज्यूम होगा, तो H प्लस कंज्यूम होगा तो कंटिन्यू ग्राफ क्या जाएगा? नीचे, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब जब तुम NaOH मिलाओगे दूसरा केस में तो क्या होगा? ये HCN और ये NaOH क्या बना देंगे? सॉल्ट, तो सॉल्ट बनेगा तो आयंस की संख्या क्या होगा? इंक्रीज, यानी अब बढ़ना स्टार्ट होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। अब एक समय ऐसा होगा कि HCN क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सॉल्ट में कंज्यूम हो जाएगा। अब जब तीसरा नेक्स्ट टाइम जब तुम NaOH को मिलाओगे तो क्या होगा? OH माइनस मिलेगा और इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, तो इससे थोड़ा कम होगा, मतलब ऐसे होगा। ये ग्राफ जो है इसका आंसर ये है, ऐसा ग्राफ बनाया हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब ग्राफ वाला बना लेना, इससे ज्यादा अब ग्राफ में नहीं पूछेगा, एक्चुअली जे मेंस और एडवांस का सिलेबस है, ट्रांसपोर्ट नंबर और ये कंडक्टिविटी और कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, ये मेंस और एडवांस का टॉपिक है, पर ग्राफ तुम्हें बनाना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में उसमें से पूछ नहीं सकता है, उसमें से दूसरे टाइप से क्वेश्चन थ्योरेटिकल बना के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, AIPMT 2006 माया, मैं अभी आज के लेक्चर में तुम्हें ये नॉस्ट इक्वेशन से, सेल का वोल्टेज से, जो नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं ना वो मैं करवा रहा हूं, ताकि तुम्हें आ रहा है कि नहीं बनाने, एग्जाम में मार्क्स कुछ और है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें नीट का एग्जाम बनाने, मतलब नीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये नीट के एग्जाम में अभी मान लो पेपर हो रहा है तो पार्ट टाइम हो रहा है और एक तुम्हें हो रहा है मॉड्यूल टाइप का, लेकिन जब होल सिलेबस आएगा ना तो तुम्हारा मार्क्स का भी डिक्रीमेंट होगा, वो समय समय के पर बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, जब पूरा सिलेबस एक बार आएगा सारा टॉपिक 11 का, पूरा बायो का, पूरा केमिस्ट्री का, पूरा फिजिक्स का, तब मार्क्स तुम्हारा कम से कम अभी 40 से 50 नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर तुम मान लो 650 भी ला रहे होगे ना तो 600 के आसपास आ जाओगे, क्योंकि जब कंप्लीट सिलेबस आएगा तो डिक्रीज होना, लेकिन वो फिर इंक्रीज होने लगता है जैसे जैसे तुम टेस्ट देते हो। और एक चीज ध्यान रखना, नीट के पेपर देने के पहले कम से कम 10 मॉड्यूल टेस्ट अटेम्प्ट करना, चाहे यहां से चाहे ऑनलाइन कहीं से भी, फुल लेंथ टेस्ट कम से कम 10 देना,
अप्रोक्स वो मार्क्स इंक्रीज बहुत करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ये AIPMT 2006 में आया हुआ है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इफ ई नॉट Fe+2 से बना Fe = -0.441 volt एंड ई नॉट Fe+3 से बना Fe+2 0.771 volt स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल रिएक्शन Fe+2 Fe+3 फॉर्म 3 Fe+2 विल बी, ये मैं लेवल 3 से करवा रहा हूं जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन है 0.330 volt और डी ऑप्शन है 1.653 volt। अगेन सर कौन सा आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है ना, फर्स्ट दिया भी है। कैसे बनाएंगे? पहला रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ ये दोनों वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो पहले हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? अपने मन से जो रिएक्शन करेगा वो नहीं लिख देंगे, पहले हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा क्या लिखा हुआ। तो ये वैल्यू दोनों SRP का है। अब SRP का है तो किसका वैल्यू ज्यादा है, Fe+3 वाले और Fe+2 वाले, इसका वैल्यू ज्यादा है, और Fe+2 वाला और Fe वाला इसका वैल्यू कम है। ये चीज समझ में आ गई, इसका क्या करवाना है, यानी हमें इसका वो वाला रिएक्शन लिखना है, क्योंकि हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा इसके लिए, जहां रिडक्शन करवाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये पहला पॉइंट में डिसाइड करना, यही स्टूडेंट को नहीं समझ में आता कि क्या करना है। तो हमें रिएक्शन लिखना है, तो रिएक्शन लिखने के लिए पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको मैं ऑक्सीडाइज करूं, किसको रिड्यूस करूं, इसके दोनों रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो तुम किसको ऑक्सीडाइज करोगे, किसको रिड्यूस करोगे, ये तुम्हें पहला क्लियर होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को हमें रिडक्शन लिखना है और इस रिएक्शन को हमें ऑक्सीडेशन लिखना है। तो लिखने के पहले हम यहां लिखेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन लिखना है, तो Fe-2 इलेक्ट्रॉन बना Fe+2। अब ये रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा वो अलग की बात, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे और इसका हमें रिडक्शन लिखवाना है, तो Fe+3+इलेक्ट्रॉन एक आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा ना। तो इसका हमने करवा दिया ऑक्सीडेशन और इसका करवा दिया हमने रिडक्शन, क्योंकि हमें रिएक्शन लिखना था, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन को जाएगा, नहीं तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देगा, तो लेफ्ट वाले को ऑक्सीडेशन, राइट वाले को रिडक्शन। लेकिन यहां पर कुछ लिखा नहीं है, तो हम इससे ट्रिक से समझ में आ जाएगा कि इसका रिडक्शन करवाना है और इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। अगर हम रिएक्शन को ऐड कर दें,
तो अब इसके लिए पूछा हमसे, इसी के लिए पूछा है ना। अब ये लाने के लिए हम क्या करें? अब इस लास्ट टाइम में कल ही पढ़ाया था, मतलब सैटरडे को। अब इस रिएक्शन को लाने के लिए क्या करें? अब इस रिएक्शन को लाने के लिए हमें टू से यहां क्या कर दे, क्योंकि इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आ रहा। अगर इलेक्ट्रॉन्स नजर आता तो डेल्टा जी लगाना पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स नजर आता तो डेल्टा जी लगाना पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आए तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, करेंगे ना। तो यहां पर रिएक्शन ऐड हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रखना टू से मल्टीप्लाई करने से इस सेल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इंटेंसिव है और इंटेंसिव में कोई चीज से मल्टीप्लाई करने में चेंज नहीं होता। अभी हमारा रिएक्शन ऐड कर दिए Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री, और ये क्या बना Fe प्लस टू प्लस टू Fe, ये थ्री Fe हो गया। ये रिएक्शन हमारा आ गया। अब वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करें इसका सेल का। अब इसी से समझ में आ गया कि हमें इस रिएक्शन का निकालना है तो डेल्टा जी लगाने कोई रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड या माइनस लिखो या प्लस लिखो, क्या लिखो, माइनस ई नॉट एनोड। कहने का मतलब पहला वाला ही मेथड चल जाएगा। तुम प्लस भी लिखोगे तो तुम्हें याद रखना यहाँ एसआरपी का वैल्यू पुट करना होगा, यहाँ एसओपी का वैल्यू पुट करना होगा। लेकिन अगर माइनस लिखते हो तो यहाँ एसआरपी का वैल्यू, यहाँ एसआरपी का वैल्यू पुट करना होगा। तो जब यहाँ पर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन नहीं हो तो डायरेक्ट तुम अप्लाई करो। अब यहाँ एसआरपी वैल्यू, केटायन कौन है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये केटायन है, सॉरी ये क्या है, ये एनोड है ना, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो पहले कैथोड का वैल्यू पुट करेंगे तो कैथोड का वैल्यू होगा 0.771 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.441 आ जाएगा ना। ये इस तरह से बनाना है, नहीं तो थोड़ा भी अगर तुम्हें चीज की रिएक्शन कैसे लिखे, किसका ऑक्सीडेशन कराए, किसका रिडक्शन कराए, सब कुछ इसमें दिया गया है, किसका ऑक्सीडेशन करवाना है, किसका रिडक्शन करवाना है, ये वैल्यू किसका है, ये सब आइडेंटिफाई करो, ये वैल्यू किसका है, वैल्यू रिएक्शन कहां से लाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा है, डायरेक्ट लगाओ अप्लाई करो। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, ई नॉट सेल क्या बताया था, एन वन ई नॉट ओ से भी कर सकते हो, लेकिन वहां ध्यान रखना एक एसआरपी होता है एक एसओपी होता है। चलो नेक्स्ट लिखो, नीट 2019 में आया हुआ है। फॉर दिस सेल रिएक्शन टू Fe प्लस थ्री Aqueous plus 2 I minus from 2 Fe plus 2 Aqueous plus I2 Aqueous Fe दिया हुआ। कह रहा E not cell 0.24 volt है at 298 Kelvin, the standard gives एनर्जी, यानी डेल्टा जी नॉट निकालना है फॉर दिस सेल। ऑप्शन में लिखा हुआ है 23.16 किलो जूल पर मोल, दूसरा ऑप्शन है माइनस 46.3
32 किलो जूल पर मोल, थर्ड ऑप्शन है -23.16 किलो जूल पर मोल, और फोर्थ ऑप्शन है 46.32 किलो जूल पर मोल। ये नीट 2019 में आया हुआ है। क्या कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? सेकंड दिया है, सेकंड। क्या रहा? सेकंड बताने की जरूरत नहीं है ना। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? -NF(T0)। एन का वैल्यू क्या लेंगे? एन का वैल्यू क्या लियो? टू लिए कि वन लिए? चेंज कितने का हो रहा है? +3 से +2 में एक गया, दो आयंस के लिए दो हो जाएगा 96500। और E नॉट का वैल्यू कितना है? 0.2। एक तो ये क्लियर है कि वैल्यू निगेटिव में ही आना चाहिए, तो या तो ऑप्शन वन होगा या तो टू होगा। तो तुम गलती करोगे N पे, N फैक्टर पे। यहाँ N फैक्टर वन नहीं लेके, अगर वन लोगे तो 23 आएगा, टू लोगे तो -46 है। तो यहां ध्यान रखना N2 लिया जाएगा। जितने आयन से आयरन उतने का चेंज लिया जाएगा। नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 2013 नीट में आया हुआ है। अच्छा, ये 19 में आया हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2013 में आया हुआ है। लिखो क्वेश्चन। ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ, ए हाइड्रोजन गैस इज मेड बाय डीपिंग प्लैटिनम वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ
pH equal to 10 and bypassing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atm pressure the oxidation potential of electrode will be oxidation potential of electrode would be या will be पहला ऑप्शन है 1.81 वोल्ट, दूसरा है 0.059 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 0.59 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 0.1187 वोल्ट। ये 2013 नीट माया क्वेश्चन है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो हम बोल रहे थे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कितना होता है, जीरो, लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। अब यहाँ पर जो हमने बोला था कि सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या लिया जाता है, H प्लस, तो H प्लस के बदले यहाँ पर H प्लस लिया जाता है ना, प्लेटिनम क्लोराइड को डिप किया जाता है, तो H प्लस के बदले यहाँ पर कंसंट्रेशन अब वन मोलर नहीं लेके HCl का वैल्यू दिया है, यानी यहाँ पर ये HCl लिया है और HCl H प्लस को प्रोवाइड करेगा और ये HCl का वैल्यू है, pH दे रखा है, pH इसका 10 है। जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, सी आएगा डी आएगा, बहुत जल्दी निकाल दिए, इजी है क्या, 151। तो यहां पर HCl का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा HCl का कंसंट्रेशन में H प्लस का वैल्यू कितना होगा। अब यहां पर H प्लस का जो कंसंट्रेशन है 10^-10 मोलर होगा, होगा ना, नहीं होगा, तो पहले जब एक मोलर हुआ करता था तब वोल्टेज जीरो हुआ करता था, लेकिन पीएच चेंज मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज, जब भी तुम्हें इस टॉपिक में पीएच के बारे में बात करे तो सोच लेना वो H प्लस का कंसंट्रेशन बता रहा है। जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पीएच लिखे या पीएच निकालना है तो एच प्लस का कंसंट्रेशन या ओएच से रिलेट करके बनाना है, या पीएच दिया है तो एच प्लस निकालना। अब यहां में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू निकालना, बताओ ऑक्सीडेशन पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी हमें एसआरपी वैल्यू निकालना, यानी ऑक्सीडेशन करना है ना, तो ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो एच टू में से दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, क्या बनेगा, एच प्लस बनेगा। अब इसके लिए हम नष्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना, नहीं लिखना पड़ेगा, नष्ट इक्वेशन लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अच्छा, इसमें कहीं टेम्परेचर का कोई डिस्कशन नहीं किया, किया है नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट 298 केल्विन मानेंगे, टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा, 298 केल्विन मानना है, -0.0592/N का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लॉग प्रोडक्ट H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां क्या होगा, H2 गैस का प्रेशर, यहां प्रेशर लिया जाएगा, ये वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, जीरो। तो E सेल क्या हो गया, -0.0592/2 लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10^-10 का स्क्वायर और ये 1 atm है, कैलकुलेट करो, लोग पहले से बनाए थे या वॉल्यूम इक्वेशन है ये, अच्छा इसीलिए बताते बताते, ये समझ में आया क्या, कैसे बना, कैलकुलेशन कर लोगे ना, चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूं।
लिखो ईएमएफ ऑफ दिस सेल विल बी जीरो, ईएमएफ ऑफ दिस फॉलोइंग सेल, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल विल बी जीरो इफ, यहां लिखा हुआ है पीटी और यहां लिखा हुआ है एच टू और यहां सिंगल वर्टिकल बार एच प्लस एच टू पीटी एच टू और यहां लिखा हुआ है पीटी और इसका प्रेशर है पी वन, इसका कॉन्सेंट्रेशन है सी वन, इसका कॉन्सेंट्रेशन है सी टू और इसका कॉन्सेंट्रेशन है प्रेशर है पी टू। तो बोला है कौन सा ऑप्शन सही है, सी वन पी वन इक्वल टू सी टू पी टू, सेकेंड है सी वन पी टू इक्वल टू पी टू सी वन और थर्ड ऑप्शन है सी वन स्क्वायर पी टू इक्वल टू सी टू स्क्वायर पी वन और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इसको बनाओ, पहले रिएक्शन लिखो, बनाओ, देखो कौन सा आंसर आ रहा है। हाँ दूसरा ऑप्शन, हाँ सी वन पी टू क्वेश्चन सी वन पी टू सी वन, अरे सेम लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाओ बनाओ देखो कौन सा आंसर आ रहा है। किसने भेजा, तुम भेजे थे, इसको पहले रिएक्शन लिखो और रिएक्शन देख, हो सकता है कि इसका ऑप्शन कोई भी सही ना हो, तुम लोग बनाओ, ऐसा नहीं कि इसी से ऑप्शन मैच करने लग जाना, खुद बनाओ देखो क्या आ रहा है। थर्ड, मैं डायरेक्ट देख के बोला था, मैं रिएक्शन नहीं लिखा था, इसलिए अभी रिएक्शन लिखेंगे, मैं इसलिए देखा था कि स्क्वायर तो होना तय है उसका, इसीलिए मैं, हो सकता है नॉन ऑफ दिस भी हो, तो एक बार रिएक्शन लिखो और रिएक्शन लिख के बताओ मेरे को, रिएक्शन लिख लिए, चलो देखो रिएक्शन क्या होगा, डबल वर्टिकल बार किधर क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो H2 अपना दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिया और क्या बन गया 2H+। अच्छा जहां जहां तुम H2 लिख रहे हो वहां पर इंडिकेट कर दो कि ऑक्सीडेशन वाला है, वो लिख दो, राइट हैंड साइड वाला रिडक्शन होगा, तो यहां पर 2H+ और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और बन जाएगा H2, ये H2 रिडक्शन वाला है और ये H+ रिडक्शन वाला है, अब ये ऑक्सीडेशन हमने लिख दिया और ये हमने रिडक्शन लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, अब यहां पर ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, H2 plus 2H+ क्या बनेगा 2H+ और plus H2, ये H2 रिडक्शन वाला है, ये H+ ऑक्सीडेशन वाला है, ये H+ रिडक्शन वाला है और ये H+ ऑक्सीडेशन वाला है। अगर मैं इसमें नेक्स्ट इक्वेशन लगाए तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट, ई नॉट तो जीरो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, माइनस 0.0592 अपॉन एन टू लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, यहां पर H+ का कंसंट्रेशन लिखा जाएगा और इसका स्क्वायर होगा और ये H+ ऑक्सीडेशन वाला है इनटू यहां पर H2 का प्रेशर लिखा जाएगा और ये H2 रिडक्शन वाला है, तो यहां पर प्रेशर लिख दो, प्रेशर ऑफ H2 ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला, सॉरी रिडक्शन वाला, ये है रिडक्शन वाला वैल्यू, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, अब यहां रिएक्टेंट होगा H+ का कंसंट्रेशन और ये H+ कौन सा है, रिडक्शन वाला का स्क्वायर और यहां पर प्रेशर होगा H2 का और ये है ऑक्सीडेशन वाला, ये मत सोचना कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि अलग अलग सबका दे रखा है, सेम होता तब ना कैंसिल आउट होता, सबका P1 C1 C2 P2 दे रखा है तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ गया इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इंडिकेट करना कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है।
नहीं तो ऐसे कंप्लीट ये क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। अब ये इधर जाएगा, इस सेल का वैल्यू क्या होता है, सेल का वैल्यू जीरो दिया है ना, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल इज जीरो, ये इधर जीरो हो जाएगा, ये इधर जाएगा जीरो हो जाएगा, बेस होगा टेन, ये सब जीरो बन जाएगा। अब टेन के पावर जीरो वन हो जाएगा, इसका वैल्यू वन गिरेगा, तो एच प्लस ऑक्सीडेशन का वैल्यू कितना है, ये एच प्लस ऑक्सीडेशन का वैल्यू यानी सी वन का स्क्वायर और प्रेशर ऑफ एच टू रिडक्शन वाला यानी पी टू अपॉन ये एच प्लस रिडक्शन वाला यानी सी टू का स्क्वायर और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पी वन वाला इक्वल टू टेन टू पावर जीरो क्या होगा वन, यानी इसका आंसर होगा सी वन स्क्वायर पी टू इक्वल टू सी टू स्क्वायर पी वन, ऑप्शन नंबर थ्री। वॉल्यूम का क्वेश्चन है क्या ये, कहाँ का है, ऑनलाइन का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन अवस्थी में भी है लेकिन वो पी वन पी टू दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अब इसका मैक्सिमम इक्वेशन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन का और सेल का वोल्टेज का, ताकि रिएक्शन लिखने आ जाए। क्वेश्चन लिखो, I2 सॉलिड है से बना I माइनस 0.1 मोलर हाफ सेल इज कनेक्टेड, हाफ सेल इज कनेक्टेड टू ए एच प्लस एक्वस और एच टू वन बार बोले तो वन एटीएम प्लेटिनम हाफ सेल एंड ईएमएफ इज फाउंड टू बी 0.7714 वोल्ट इफ ई नॉट आई टू से आई माइनस इक्वल टू 0.535 वोल्ट फाइंड पीएच ऑफ एच प्लस और एच टू ऑफ दिस सेल हाफ सेल। ऑप्शन में है ए में है वन, बी में है थ्री, सी में है फाइव और डी में है सेवन। पहले रिएक्शन लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, नेक्स्ट इक्वेशन लगाने के बाद एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालो और कंसंट्रेशन निकालने के बाद
उसका पीएच निकालो। तो तुम्हारा काम होगा पहले रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिखो किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाओगे या आयोडीन का ऑक्सीडेशन करवाओगे, ये तुम पहले डिसाइड करो। डिसाइड करने के बाद रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखने के बाद नॉस्ट इक्वेशन लिखो, नॉस्ट इक्वेशन लिखने के बाद ई नॉट सेल निकालो, ई नॉट सेल निकालने के बाद वैल्यू पुट करो, फिर एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालो। ये अवस्थी का इक्वेशन है लेवल वन का, ये 106। आयोडीन, आयोडीन पे क्या होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या होगा रिडक्शन ना, यहां कैसे क्या लिखे हो, रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा, ये एच पे एक क्या लिखो, एच प्लस, एच प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गया तो एच टू कैसे बन गया, इधर एक ही हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इसको दो लिखो यहाँ पे, फिर स्क्वायर करना भूल जाओगे, यहाँ यहाँ भी क्या आएगा, दो आएगा, यहाँ पर सब गलती लिखो, बैलेंस करो सही से पहले, यहाँ दो आयोडीन एक ही आयोडीन लिखो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो, सब गलती हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लिखो, सही से रिएक्शन नहीं लिखो, बस पूरा इक्वेशन ही गलत होगा। रिएक्शन लिख लिए, लिखो रिएक्शन, तुम्हें फर्स्ट राइट डाउन करने आना चाहिए, कैलकुलेशन का अलग मैटर है, लेकिन तुम्हें रिएक्शन राइट डाउन करके लिखने आना चाहिए, यानी कि रिएक्शन ही नहीं लिखने आ रहा है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका वैल्यू इतना वोल्ट है और इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो इसका वैल्यू ज्यादा है और इसका वैल्यू कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मान लो एसआरपी का वैल्यू दिया है तो आयोडीन वाला वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रोजन वाला वैल्यू कम है, इसका मतलब इस पे रिडक्शन होगा और इस पे ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान देना, कभी भी तुम पहले डिसाइड कर लेना, नहीं तो तुम्हें गलती यहां से लिखोगे तो पूरा रिएक्शन तुम्हें नॉस्ट इक्वेशन में गलती लिखोगे, क्योंकि प्रोडक्ट को तुम रिएक्टेंट लिखोगे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट लिखोगे, तो पूरा का पूरा रॉन्ग जाएगा। अगर तुम बैलेंस भी करके नहीं लिखते हो तो तुम्हारा वहां स्क्वायर स्क्वायर वगैरह भी रॉन्ग हो जाएंगे। तो तुम्हारा मेन काम है रिएक्शन को राइट डाउन करना, सही से लिखना। तो पहले डिसाइड करना कि कौन ऑक्सीडेशन होगा कौन रिडक्शन होगा, डिसाइड हमने कर लिया कि इसका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन होगा। अब इसका रिडक्शन करवा देते हैं तो यहाँ आयोडीन आई टू है, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया बन गया I2I-, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा देते हैं, क्लियर। अब हाइड्रोजन पे करवाना है ऑक्सीडेशन, तो H2 में से दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा देंगे, बन जाएगा 2H+। ये हमारा रिएक्शन होना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन हुआ, बैलेंस के साथ हमने किया, ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गया,
यहां बचा आई टू और यहां बचा एच टू, इधर बना टू आई माइनस और यहां बना टू एच प्लस। अब जब रिएक्शन लिख लिए तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन का वैल्यू टू लिख दे अपॉन प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे वन बार प्रेशर है और उसका वैल्यू सॉलिड में, तो लिखने की जरूरत केवल हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और एच प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सेल का वोल्टेज यहां पर लिखा हुआ है 0.7। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन का वैल्यू पुट करना आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के पहले रिएक्शन सही से लिखना चाहिए। ये नहीं लिखोगे तो नेक्स्ट इक्वेशन गलती लिखोगे तुम, तो मेन पार्ट ये है, फिर इसमें वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन हमारा पार्ट रह जाएगा। और यहाँ ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल हो जाएगा, देखो यहां पर इसका वैल्यू दिया है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इस दो सेल का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में कैथोड माइनस एनोड, तो ये क्या है, ये है रिडक्शन, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू कैसे निकालेंगे, आयोडीन का वैल्यू माइनस हाइड्रोजन का वैल्यू, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने वैल्यू निकाला है। यहां से ये दे रखा है, ये वैल्यू ये वाला है ईएमएफ, मतलब ये नहीं बोलेगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन, ये इतना कंसंट्रेशन पे वोल्टेज इतना है, इतना जब कंसंट्रेशन है तो वोल्टेज इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये ए वाला है, नॉर्मल वाला। स्टैंडर्ड वाला निकालने के लिए यह लिखा हुआ है कि ई नॉट आयोडीन का इतना है और ई नॉट हाइड्रोजन का होता है जीरो, तो ये है कैथोड और कैथोड माइनस एनोड जीरो, ये स्टैंडर्ड निकल गया माइनस 0.0592 अपॉन टू। आई माइनस का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0.1 का लॉग 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर और एच प्लस का स्क्वायर। एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, एच प्लस निकलेगा तभी तो पीएच निकालेंगे हम। अब यहां से हमारा बात रह जाएगा कैलकुलेशन वाला, तो थोड़ा सा एग्जाम में जब तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा या नीट वगैरह में जब क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना देगा, हो सकता है इजी हो या ना हो, लेकिन एग्जाम वगैरह में कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब यहां से मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं कैलसी से, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जीरो पॉइंट 7714 माइनस 0.535 इक्वल टू माइनस 0.0592 अपॉन लॉग, ये 0.1 का स्क्वायर इंटू एच प्लस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.7714 माइनस 0.535 0.2364 इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 0.0296 लॉग 0.1 का स्क्वायर और एच प्लस का स्क्वायर, इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव 0.2364 अपॉन 0.0296 0.2364 डिवाइडेड बाय 0.0296 आ जाएगा माइनस 7.9 यानी 8 के आसपास आएगा, इक्वल टू लॉग 8 मान ले, चलो क्या हो जाएगा लॉग 10 और ये 0.1 के स्क्वायर और ये हो जाएगा एच प्लस। थोड़ा सा इसी पार्ट में कैलकुलेशन, अब आसान हो गया,
इसके पावर में जाएगा, आएगा ना, तो ये वैल्यू आएगा, इसके पावर में जाएगा तो ये आएगा, यही होता है लॉग ना, 10 के पावर में ये जाएगा तो ये आएगा, तो 10 के पावर में जाएगा माइनस एक तो क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर और h प्लस का स्क्वायर, ये 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू एच प्लस का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6, हाँ 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h प्लस का स्क्वायर, h प्लस कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3, पीएच कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन 3 है 106 का, 106 का बॉम्बे, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहां पर है, ये वाला पार्ट में तो हो जाएगा, ये वाला पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा डिवाइड करने में, क्योंकि ये तो तुम सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, ये भी डिवाइड कर सकते हो, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, चलो कल पढ़ाएंगे लॉस्ट सॉरी कैलोमेल इलेक्ट्रोड और सेल के बारे में, लेकिन अभी और क्वेश्चंस करना पड़ेगा तुम्हें, वॉल्यूम के क्वेश्चंस करवाएंगे और अवस्थी के, तो अगला जो तुम्हारा सिलेबस होगा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव वो मैं नहीं टीच करूंगा, हो चुका है ऑलरेडी, हाँ क्वेश्चंस भले बनवाएंगे उसका लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, एक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जो एम प्लस बैच का थोड़ा सा बच गया है वो पढ़ा देंगे, बाकी